वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. सो द सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश लिटरेचर एंड वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर 9 दैट नेम इज द रियल एजुकेशन. ठीक है, द रियल एजुकेशन. सो वॉट इज रियल एजुकेशन? ठीक है, देखेंगे इस स्टोरी में. कैन एनी वन बी रियली एजुकेटेड बाई मेयरली रीडिंग बुक्स? क्या कोई बस किताबों को ही पढ़ करके एजुकेट हो सकता है? ये देखेंगे. और वट शुड वी डू टू ऑब्टेन रियल एजुकेशन इन लाइफ? ठीक है, एक किसी को मतलब कि हमें क्या करना चाहिए टू गेट रियल एजुकेशन इन आवर लाइफ? ठीक है, हमारी लाइफ में सच्ची शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? ठीक है, ये देखेंगे. ये है स्टोरी है जो कि देखेंगे हम. वंस अपॉन अ टाइम देयर रूल्ड अ किंग इन अ स्मॉल किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ठीक है, एक बार की बात है, एक राजा था, एक जिसका कि छोटा सा राज्य था नॉर्थ में. ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में. ही हैड ओनली वन सन. ठीक है, उसके पास बस एक ही बेटा था. हिज नेम वॉज अशोक. उसका नाम क्या था? अशोक. द किंग लव्ड हिम वेरी मच. राजा उससे बहुत प्यार करता था. ही वॉन्टेड टू टीच हिम वेल सो दैट ही कुड लर्न ऑल दी नेसेसरी स्किल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल किंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट. ठीक है, वो चाहता था कि वो इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे जो भी उसके लिए ज़रूरत हो उसके राजा बनने के लिए उसके बाद. ठीक है, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनने के लिए सारी शिक्षाएं सीखे. ठीक है, अशोक वॉज ऑल्सो अ गुड प्रिंस. ठीक है, अशोक जो था अच्छा राजकुमार भी था. ही ओबेड हिज पेरेंट्स. ठीक है, अपने वो माता पिता की आज्ञा का पालन करता था. एंड रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स. ठीक है, और अपने बड़ों का आदर भी करता था. एंड वॉज काइंड एंड जेंटल टू देयर सब्जेक्ट्स. ठीक है, और अपने जो उसके मंत्री थे, ठीक है, उन लोग के प्रति क्या था, वो जेंटल था, मतलब दयावान था और नरम था. ठीक है, बट द ओनली थिंग ही हेटेड वॉज टू स्टडी. लेकिन क्या था, एक ऐसी चीज़ थी जो कि उससे उस जो जिससे कि उसे नफरत थी, वो था पढ़ना. ठीक है, उसे पढ़ना नहीं पसंद था. ही लव टू प्ले ऑल द टाइम. वो हमेशा खेलना पसंद करता था. एंड इन्जॉयड प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. और अलग अलग खेल खेलना पसंद करता था. ऑल दो हिज फादर ट्राइड अ लॉट टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड अपॉइंटेड मैनी टीचर्स. यद्यपि उसके पिता ने बहुत प्रयास किया उसको शिक्षा की महत्व को समझाने का, और उसके साथ ही साथ उन्होंने ढेर सारे शिक्षक भी उसको पढ़ाने के लिए नियुक्त किए थे. बट अशोक वुड नॉट लिसन टू एनीवन. लेकिन अशोक जो था वो किसी की नहीं सुनता था. द किंग वॉज इन ग्रेट एगोनी. ठीक है, तो जो राजा था वो बहुत बड़ी असमंजस में था. एट लास्ट ही मेड एन अनाउंसमेंट. आखिरी में उसने घोषणा करी दैट एनीबडी हु कुड एजुकेट हिज सन वुड गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइंस. ठीक है, उसने ये घोषणा करी कि जो कोई भी उसके बेटे को शिक्षित करेगा उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे. मैनी टीचर्स केम एंड राइट देयर बेस्ट. ठीक है, ढेर सारे शिक्षक आए और उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया. बट इन वेन. बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ. द प्रिंस वॉज नेवर रेडी टू सिट एंड स्टडी. जो राजकुमार था वो कभी भी पढ़ने के लिए बैठने को तैयार नहीं हुआ. द किंग हैड एन ओल्ड सर्वेंट हु लुक्ड आफ्टर हिम. राजा के पास एक पुराना नौकर था जो कि उसकी देखभाल करता था. ही हैड अ सन नेम्ड मृणाल. ठीक है, उसके पास एक बेटा था जिसका नाम था मृणाल. बोथ द प्रिंस एंड मृणाल वर ऑफ द सेम एज. प्रिंस और मृणाल जो कि थे वो एक उम्र के थे. दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस इन साइड द पैलेस. ठीक है, वो कहाँ रहते थे, जो उनका जो राजमहल था उसमें एक छोटी सी जगह में छोटा सा घर था, वहाँ रहते थे. एंड हिज ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर द पिजन्स एंड पैरट्स ऑफ द पैलेस. उसका काम क्या था उनका, जो महल में कबूतर और तोते पले हुए थे उनकी देखभाल करने का. द यंग प्रिंस वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मृणाल. ठीक है, जो
जवान राजकुमार जो था वो मृणाल से काफ़ी लगा हुआ था, उसे काफ़ी उससे लगाव था, ठीक है। ही वुड ऑफन गो एंड हेल्प मृणाल इन हिज टास्क, वो हमेशा जाता था और मृणाल की हेल्प करता था जो राजकुमार था। कहाँ क्या, हाँ, वेन एवरीबडी फेल्ड टू एजुकेट द प्रिंस, जब सभी फेल हो गए प्रिंस को एजुकेट करने के लिए, फिर मृणाल वेंट टू द किंग वन डे, मृणाल राजा के पास एक दिन गया और बोला, सर इफ़ यू काइंडली अलाउ मी, महाराज अगर आप दया करके मुझे आज्ञा दे, आई कैन हैव अ ट्राई टू एजुकेट द प्रिंस, मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ राजकुमार को शिक्षित करने की। ही पोलाइटली सेड टू द किंग, उसने बड़े ही नम्रता से राजा से बोला। एट फर्स्ट द किंग लाफ्ड, पहले तो राजा हंसा, बट वेन मृणाल इम्प्लोर अगेन एंड अगेन, पहले तो राजा हंसा बट मृणाल के बार बार बोलने से, बार बार कहने से ही हैड टू एग्री, वो राजी हो गया राजा, बट और ये बोला, बट यू शुड नेवर टेल द प्रिंस अबाउट इट, और उसने ये बोला, बट तुम कर सकते हो जो भी तुम करना चाहते हो, बट ये तुम प्रिंस को नहीं बताओगे, मतलब तुम ये राजकुमार को ये बात नहीं बताओगे कि तुम उसे शिक्षित कर रहे हो। मृणाल ने राजा से रिक्वेस्ट किया, ठीक है, मृणाल ने राजा से बोला कि आप ये प्रिंस को नहीं बताएंगे कि मैं उन्हें शिक्षित करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले के कुछ दिनों में मृणाल डिड नॉट टीच द प्रिंस एनीथिंग, ठीक है, पहले कुछ दिनों में जब उसने प्रिंस को शिक्षित करना शुरू किया तो पहले कुछ दिनों में उसने उसको कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। द प्रिंस जस्ट हेल्प्ड मृणाल इन लुकिंग आफ्टर द रॉयल बर्ड्स एज बिफोर, और जो राजकुमार था वो मृणाल की पहले की तरह हेल्प करता रहा, राज मतलब रॉयल बर्ड्स को पालने में, उनको देखने में। मृणाल ओनली टॉट द प्रिंस हाउ टू टेक केयर ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, मृणाल ने राजकुमार को पहले पहले दिन बस ये बताया कि पक्षियों की कैसी कैसे देखभाल करते हैं, और हाउ टू फीड देम, और उन्हें कैसे खिलाते हैं, एंड हाउ टू ट्रेन देम इन शोइंग वेरियस ट्रिक्स, ठीक है। उसने ये बताया पहले दिन में कि जो ये कबूतर और जो तोते हैं उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उन्हें खाना किस तरीके से खिलाते हैं, और उन्हें कैसे अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं करना, ठीक है। द प्रिंस लाइक्ड इट वेरी मच, प्रिंस को ये बहुत अच्छा लगा, एंड देयर फोर फुली डिवोटेड हिमसेल्फ टू द टास्क, और उसने क्या किया, बहुत मन से अपनी टास्क को कंप्लीट किया और अपने काम को सीखा, ठीक है, पहले दिन जो उसकी क्योंकि उसे मृणाल ने सिखाया था। वन डे द प्रिंस आस्क्ड मृणाल, एक दिन राजकुमार ने मृणाल से पूछा, हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द फ्लॉक, ठीक है, उसने पूछा राजकुमार ने मृणाल से कि यहाँ पर इस झुंड में कितने पंछी हैं, ठीक है, तो उसने बोला 200, रिप्लाइड मृणाल ने बोला 200 हैं, ठीक है। डू वी हैव मोर पिजन्स और पैरट्स, द प्रिंस आस्क्ड अगेन, प्रिंस ने दोबारा पूछा कि क्या हमारे पास और कबूतर और तोते हैं। आई हैव नेवर काउंटेड, सेड मृणाल, मृणाल ने बोला कि मैंने कभी इनको इनको इनकी गणना नहीं करी है, ठीक है। सो लेट अस काउंट देम सो दैट वी कैन फाइंड आउट देयर एक्चुअल नंबर, ही एडेड, मिलान ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम इन्हें काउंट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में कितने हैं, ठीक है, ये तोते और कबूतर कितने हैं, उसने ये बोला, ठीक है, राजकुमार से। सो द प्रिंस स्टार्टेड काउंटिंग देम वन बाई वन, उसके बाद क्या हुआ, प्रिंस ने जो राजकुमार था वो एक एक करके तोतों और कबूतरों को जोड़ने लगा। वेन एवर ही मेड अ मिस्टेक, वो जब भी गलती करता मिलाल एमेंडेड इट, ठीक है, मिलाल उसको सही करता, ठीक है। दिस इज़ हाउ मिलाल टॉट हिम काउंटिंग, इस तरीके से मिलाल ने प्रिंस को काउंटिंग करना सिखाया। देयर आर 150 पिजन्स एंड 50 पैरट्स, ठीक है, द प्रिंस सेट टू मिलाल आफ्टर दी काउंटिंग वॉज ओवर, ठीक है, जब काउंटिंग ओवर हो गई तो राजकुमार ने मिलाल से बोला कि 150 कबूतर हैं और 50 तोते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, नाउ
लेट्स कीप देयर नेम एंड राइट देम इन अ पेपर सो दैट वी माइट नॉट फॉरगेट देम. मिलान ने सजेस्ट किया प्रिंस को कि अब ऐसा करते हैं, हम हर एक के नाम रखते हैं और हर एक पिजन और पैरेट के नाम को हम एक पेपर में लिखेंगे जिससे कि हम इन्हें भूल ना जाए. द प्रिंस ग्लैडली एक्सेप्टेड द आइडिया. और प्रिंस को ये आइडिया अच्छा लगा और उसने इसको स्वीकार कर लिया ये काम को. ठीक है. बोथ ऑफ देम चोज नेम्स फॉर द बर्ड्स एंड बिगिन टू राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है. दोनों उन पंछियों के नाम चूज करने लगे और एक पेपर पर लिखने लगे. एट फर्स्ट द प्रिंस वॉज हेजिटेट. ठीक है. पहले तो राजकुमार थोड़ा सा झेपा. ही मेड सेवरल मिस्टेक्स. उसने ढेर सारी गलतियाँ करी. बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बस थोड़ी समय बाद ही बिकेम एक्सपर्ट इन राइटिंग. और वो लिखने में एक्सपर्ट हो गया. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद, मिलान सेड टू द प्रिंस. मिलान प्रिंस से बोला, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स एंड शोड इट टू योर फादर. ठीक है. आप एक लिस्ट बनाइए पंछियों के नाम की और अपने पापा को दिखाइए. द प्रिंस मेड द लिस्ट एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड द लिस्ट बिफोर द किंग्स जॉय न्यू नो बाउंड्स. ठीक है. उसने क्या करा, अपने पिताजी को जा करके वो पंछियों के नाम की लिस्ट बना करके दिखाई. ठीक है. तो जो राजा था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. ही कॉल मिलान एंड थैंक्ड हिम फॉर टीचिंग द प्रिंस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है. उसने मिलान को बुलाया, उसको उसका धन्यवाद करा पढ़ाई का जो बेसिक था, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको सिखाने के लिए, कि उसने उसको सिखाया था उसके बेटे को. ही ऑल्सो गेव हिम द रिवॉर्ड ही हैड प्रोमिस्ड. और उसने उसको इनाम दिया जो उसने वादा किया था देने का. एंड ही अपॉइंटेड हिम एज अ एडवाइजर टू द यंग प्रिंस. ठीक है. और उसने यंग प्रिंस का एडवाइजर उसे नियुक्त किया मृणाल को. ग्रेजुअली द प्रिंस स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ही बिकम ए नोबल किंग. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो प्रिंस था वो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और थोड़े समय बाद वो क्या हुआ कि बहुत अच्छा राजा बना. ठीक है. ये था आपका चैप्टर 9. इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे.